पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक का सॉल्यूशन कर लिया था और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 को आज की इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत। एक प्रादर्श प्रश्न पत्र बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है, हम उसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं एक एक करके। अभी तक आप लोगों ने कुछ इसके हिस्से देखे हैं, अब एक नए वीडियो में हम आगे का हिस्सा सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-3 से भी होकर जाती है। अंग्रेजी में अगर पढ़ूँ तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड आल्सो पासिस अदर थ्रू द पॉइंट 2 एंड 3। तो अगर मैं मूल बिंदु को, जैसा कि आप जानते हैं कि मूल बिंदु को हम लोग ओरिजिन कहते हैं और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0, तो मूल बिंदु को मैं 0, 0 कर लूँ और उसको मान लो मैं ए नाम दे दूँ, तो ये ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0 और बी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3। अब मुझे निकालना है प्रवणता, प्रवणता जिसे हम अंग्रेजी में स्लोप कहते हैं। तो स्लोप के लिए फार्मूला है, यानी कि प्रवणता के लिए अगर आप फार्मूला की बात करें तो प्रवणता का फार्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1। इस क्वेश्चन के लिए x1 y1 x2 y2 अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर को आप x1 y1 ले लें, दूसरे को x2 y2 ले लें, तो सिंपल सी बात हो जाएगी 3 - 0 / 2 - 0, तो 3/2 इसकी प्रवणता हो जाएगी। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा, स्लोप जो निकालने कहा है, वो हो जाएगा 3/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रश्न के अथवा वाले हिस्से में है एक सवाल, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5-2 तथा 3-4 से समदूरस्थ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज ऑन वाई एक्सिस एंड विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 5 - 2 एंड 3, 4। आप इसको अगर थोड़ा सा फिगर वाइज समझें तो बात समझ में आ जाएगी। ये कोई पॉइंट है जो वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है, मैंने इसका नाम पी रखा है। वाई अक्ष पर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट को मैं वाई मान रहा हूँ। ये दो पॉइंट हैं यहाँ पर ए और बी, इनसे इसका डिस्टेंस सेम है। ए का मैं कोऑर्डिनेट्स लूँगा तो 5 - 2 दिया है और बी के कोऑर्डिनेट्स लूँगा तो 3, 4 दिया है। तो कहने का मतलब पी ए और पी बी का डिस्टेंस सेम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो पहले मैं पी ए निकाल लूँ, पी ए निकालूंगा तो डिस्टेंस फार्मूला मुझे लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 - 0² + - 2 - y² होल स्क्वायर। आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला में x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर का हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो 5 - 0 तो 5 हो जाएगा, 5² हो जाएगा। इसको दोनों नंबर निगेटिव हैं तो आप इसको पॉजिटिव मान करके पॉजिटिव का आइडेंटिटी लगा सकते हैं a + b होल स्क्वायर वाला। तो 2 * 2 = 4 हो गया, y का स्क्वायर हो गया +2 * 2 = 4y। 2 * 2 = 4 हुआ, y का स्क्वायर करूंगा तो y वर्ग हो जाएगा और फिर 2ab के हिस्से में 2 × 2 × y आएगा। कोई कन्फ्यूजन मन में मत पालें, दोनों माइनस को मैंने प्लस में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि अगर दोनों नंबर माइनस हैं तो मैंने माइनस को इस तरह से कॉमन ले लिया और बाहर स्क्वायर लगा दिया तो ये प्लस की आइडेंटिटी में आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ूंगा तो 5 * 5 = 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 = 29 और वाई स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, 4y अपनी जगह रहेगा। तो कुल मिलाकर के पी ए की वैल्यू आएगी वर्गमूल 29 + y² - 4y, ये y वर्ग है, ये पी ए की वैल्यू आ गई। अब पी ए के बाद अगर मैं पी बी की वैल्यू निकालूं तो वो वैल्यू भी इसी तरह से निकल जाएगी इसी फार्मूले से, ये आ जाएगा 3 - 0 होल स्क्वायर + 4 - y होल स्क्वायर। अब आगे चलेंगे तो 3 - 0 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो गया, y का वर्ग करूँगा y वर्ग हो जाएगा 2 * 4 = 8y और 16 और 9 करता हूँ अगर मैं तो ये 25 हो जाएगा, तो 25 - y² - 8y। अब प्रश्न में जैसा कि पहले ही उसने कह रखा था कि ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो दोनों का डिस्टेंस अगर सेम है तो आप इनको डिस्टेंस फार्मूला को इक्वल कर सकते हैं जो दोनों वैल्यूज़ को। तो चलिए दोनों को इक्वल कर लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लें, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं पी ए इक्वल टू पी बी को, तो उस हिसाब से 29 - y² - 4y = 25
धन वाई वर्ग माइनस 8y। अब आप देखिए यहाँ से वर्गमूल का चिन्ह मैंने हटा दिया है क्योंकि मैंने इसको इस हिसाब से लिया है कि अगर PA और PB इक्वल हैं तो PA का वर्ग और PB का वर्ग भी इक्वल होगा, तो दोनों का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से दोनों के स्क्वायर रूट हट गए। अब आप एक तरफ ले आए सारे वेरिएबल्स को, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 29। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4y और 8y हो जाएगा 12y और 25 में 29 जाएगा तो माइनस 4 आएगा। कुछ इस तरह से बात बनती है। यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर था, ठीक है, सही है, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4/12, यानी कि कैंसिल करने से 1/3 माइनस में, तो आंसर बन जाएगा 0 - 1/3। इस तरह से इसका सोल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लें, अगर कैलकुलेशन में कोई एरर आ रहा हो तो उसे आप सुधार सकते हैं ताकि आपके क्वेश्चन में कोई गलती ना हो, क्योंकि यहाँ 25 था, 25 और 4 29 हुआ था, यहाँ 3 + 3 = 9, 9 + 16 25 हुआ था, तो 29 और 25 का डिफरेंस 4 बनेगा, बाकी चीज़ें तो लगभग एक जैसी हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 है, ये सिमिलर ट्रायंगल यानी समरूप त्रिभुजों का सवाल है। दो समरूप त्रिभुज हैं, 9 × ABC का क्षेत्रफल बराबर 16 × PQR का क्षेत्रफल है, तो आपको AB/PQ का मान निकालना है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि 9 × ABC इज गिवन 16 × PQR, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि ABC का एरिया अपान PQR का एरिया इज इक्वल टू 16 इस तरफ है तो ये हो जाएगा 16/9, इस तरह से हो जाएगा। हमने ये पढ़ रखा है कि जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर बराबर हो तो उनके संगत भुजाओं का वर्ग का अनुपात जो है वो आपस में बराबर होगा। तो इसका संगत भुजा मैं AB को ले लूं तो AB का स्क्वायर अपान इसकी संगत भुजा में PQ आ जाएगा तो PQ का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 16/9 के। मुझे वैल्यू AB अपान PQ की निकालनी है तो स्क्वायर रूट लगा देता हूं इसका मैं, AB अपान PQ इसकी वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर रूट हो जाएगी 16/9 का, मतलब ये हो जाएगा 4/3। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा 4/3। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके बाद इसी में आर में एक क्वेश्चन दिया जो कि थ्योरम है, तो मैं थ्योरम और कंस्ट्रक्शन ये दो तरह की चीज़ों को अभी इसमें से स्किप कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा ऐसे ही हो रहा है, काफ़ी पार्ट्स में बनाना पड़ रहा है मुझे वीडियो, तो थ्योरम्स को और कंस्ट्रक्शंस को इनको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो हम इसके बाद वाले क्वेश्चन में पहुँच जाते हैं, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये आवर्ती जमा खाता के बारे में है, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में है। अखिल ने एक बैंक में 3 वर्ष के लिए 250 रुपये प्रतिमाह का एक आवर्ती जमा खाता खोला और 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी राशि प्राप्त होगी, ये आपको ज्ञात करना है। अखिल ओपन से रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3 ईयर्स एंड डिपॉजिटिंग ₹250 मंथली, देन हाउ मच मनी विल बी गेट इफ द नेट रेट है, एक्चुअली में नेट छपा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। आवर्ती जमा योजना के लिए जो सूत्र हम उपयोग में लाते हैं, सबसे पहले मैं वो सूत्र को किनारे में लिख दूँ ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। तो उसके लिए ब्याज बराबर हो जाता है P×R/100 × 1/12 × (n+1/2), ये टोटल फार्मूला है जिससे हम आवर्ती ब्याज को निकालते हैं। इससे केवल ब्याज निकलेगा, आप ध्यान रखें, इसमें मूलधन को जोड़ने के बाद कुल मिलाकर के मिश्रधन निकल पाएगा। इनमें कौन कौन सी चीज़ों को कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो समझिए। पी जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट जो होता है वो होगा, मतलब मासिक जो किश्त होगी उसको आपको पी में पुट करना है। आर तो पता ही है आपको, दर है। एन जो है वो होगा कुल महीनों की संख्या, मतलब कुल कितने महीने तक आपने दिया है वो इस पर काउंट होगा। तो ये तीन चीज़ें होंगी जो आपको ध्यान में रखनी है। अब एक एक करके हम इसमें निकालते हैं। ब्याज बराबर मूलधन आपका है ₹250 जो कि आपने हर महीने जमा किया है, दर आपको मिल रहा है 5% का, बटा कर दीजिए 100 गुणा कर दीजिए 1/12
गुणित। अब जो n है वो इस क्वेश्चन में 3 साल के लिए आपको कैलकुलेट करना है, तो 3 × 12 यानी कि 36 हो जाएगा। तो 36 फिर उससे एक बढ़ा दें 37 अपॉन 2, ये कुल मिला करके आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए जो जो कैंसिल होता है उसको यहीं कैंसिल कर देते हैं, ये 0 को मैं यहाँ से काट दिया, 12 से 3 बार ये 36 कट जाएगा और 5 से ये 2 बार कट जाएगा। इसके अलावा और मुझे नहीं दिख रहा है कोई कैंसिल होने के चांसेस। तो अब क्या होगा, यह 25 × 3 × 37, 25 को 3 से गुणा करें, फिर 37 से गुणा करें और फिर 2 × 2 कर दें, तो आपका जो भी नंबर आएगा वो आपका फाइनल कैलकुलेशन के बाद आंसर बन जाएगा। तो 25 और 3 को तो आसानी से गुणा कर सकते हैं, 25 × 75 = 5 × 15 = 5 हासिल 1 हो गया, 3 × 3 = 9 = 10 = 105 हो गया ये, और ये 37 है, नीचे आ जाएगा 4। अब इसको पूरा कैलकुलेशन करके एक जो नंबर आ रहा है उसको हम लिख लेते हैं। ये ऊपर जब मैं गुणा कर रहा हूँ तो आ रहा है 3885, और नीचे आ रहा है 4, और इनको जब मैं भाग कर देता हूँ 3885 को 4 से भाग करता हूँ तो ये कुल मिला करके आता है 971.25। ये ब्याज है केवल। अब उसने पूछा उसे बैंक द्वारा कितनी राशि प्राप्त होगी, तो आपको तो निकालना है वो है मिश्रधन। मिश्रधन मतलब अमाउंट, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करेंगे। अब प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल होगा 250 × 36, 36 महीने तक आपने इतना जमा किया है, उसमें आपको 971.25 का ब्याज मिलेगा। तो 250 को अगर आप 36 से भाग गुणा करते हैं तो 250 × 36 करें तो 9000 रुपये हो जाएगा ये, और ये 9000 में आपने इसको 971.25 ब्याज दिया, तो आपका फाइनल आंसर जो बनेगा वो आपका आ जाएगा 9971.25। ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इस प्रश्न के साथ आर में जो क्वेश्चन है अथवा में जो है उसमें इसने सावधि जमा खाता के बारे में बात किया है, फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहा है वो, और क्वेश्चन ये कहता है मोहन ने 50,000 रुपये एक वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा किया, ब्याज का दर 10% है, ब्याज 6 माह संयोजित किया जाता है, तो उसको कितनी राशि प्राप्त होगी ये आपको बताना है। मोहन डिपॉजिटेड ₹50,000 फॉर 1 ईयर इन ए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एनुअली एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 months, देन फाइंड हाउ मच मनी विल द बैंक गिवन मोहन ऑन मैच्योरिटी। तो सबसे पहले मैं आपको सूत्र लिख दूँ यहाँ पर किनारे में, तो सूत्र हो जाता है ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 n। ये एनुअल का फार्मूला है, एनुअल रेट जब कैलकुलेशन होता है तो ये फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। जब हम हाफ ईयरली करेंगे तो इसमें हमको रेट को डबल करना, रेट को हाफ करना पड़ेगा और टाइम को डबल करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका पी जो होगा वो 50,000 ही रहेगा, इस पर कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। रेट जो इसने दिया हुआ है 10% का, तो इसका आधा हो जाएगा और ये 5% हो जाएगा, ये हाफ ईयरली रेट होगा। और टाइम इसने दिया है 1 साल का, तो इसका मतलब 2 6 माह हो जाएंगे, इसके 2 6 माह होंगे, तो डबल कर दिया हमने टाइम को और रेट को हमने हाफ कर दिया। अब इस वैल्यू को डायरेक्ट आप फार्मूले में पुट कर दें तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा पी 1 + R/100 n फार्मूला हो गया। 50,000 अपनी जगह रहेगा, एक धन दर आपका 5% का हो गया और n की जगह आपने 2 पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये 1/20 यानी कि 50,000 को आगे सॉल्व करूं तो मैं 21/20 हो जाएगा ये। अब आगे बढ़ते हैं, 50,000 × 21/20 × 21/20 इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। दोनों का 0 आप काट सकते हैं सीधे, और ये 2 से आप इसको अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा 250, और फिर 2 से इसको काट सकते हैं 125। तो कुल मिलाकर के आपके पास जो नंबर आ रहा है वो 125 × 21 × 21 होता है। अब आप इसे जिस ढंग से भी चाहें गुणा कर सकते हैं, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। पहले मैंने 125 को 21 से गुणा किया तो ये आ रहा है 2625, और इसमें फिर 21 को गुणा कर देता हूँ तो जो आएगा वो मेरा फाइनल अमाउंट हो जाएगा। तो ये 55,125 आता है,
ये अमाउंट होगा आपसे, उसने यही पूछा है उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब अमाउंट ही पूछा है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा ₹55,125। ये सवाल इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कंस्ट्रक्शन का है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि कंस्ट्रक्शन और जो थ्योरम्स हैं उनको मैं स्किप कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं स्किप कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है युगपत समीकरण से संबंधित सवाल है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन कैलकुलेशंस थोड़े लंबे होंगे अगर आप ट्रेडिशनल वे में जाएंगे, मतलब आप एलिमिनेशन मेथड को अगर यूज़ करते हैं, विलोपन विधि जिसको कहते हैं हम लोग, तो आपको एक 40x-17y=99 और ये है 17x-41y=75। तो ये दोनों को अगर आप गुणा करके एलिमिनेट करना चाहें, विलोपित करना चाहेंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। एक तरीका मैं और बता रहा हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। पहले आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने से होगा ये कि 7 और 1 8 और 4 और 1 5, 58x ये होगा और वही 58y ये भी हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 9 5 14 और 9 7 13 1 14, 144 हो जाएगा। 44 ही होगा ना, 9 5 14 का 4 हासिल आई 1, 9 7, 1 मिनट इसको थोड़ा सा हम सुधार देते हैं, ये गलत हो रहा था हमारा। तो 9 5 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 9 1 10 10 7 17, 174 आएगा। अब देखो अगर ध्यान से, तो ये 58 है, ये 58 है, ये 174 है। आप इनको पूरे तीनों नंबर्स को 58 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने वही काम किया, 58x/58 -58y/58 = 174/58, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरे ख्याल से 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो x-y = 3 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 3 धन y बन जाएगी। इस x की वैल्यू अगर मैं इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 बोलूँ, तो इसको समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं, और समीकरण नंबर 3 को आप x की वैल्यू लेकर के एक या दो किसी में भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों का एक साथ उपयोग मैं कर रहा हूँ इसमें। तो अब मैं रखता हूँ 41x-17y = 99 वाले इक्वेशन में इसकी वैल्यू, तो हो जाएगा 41 3+y -17y = 99। तो ये हो जाएगा 3 × 3 3 × 12 123 + 41y = 17y = 99। तो 41 में 17 गया 11 में 7 4 आ जाएगा, 3 में 1 गया 2 आ जाएगा, 24y हो जाएगा, और ये 99 - 123 होगा। ये कहीं चिन्ह की तो कोई गलती नहीं हो, इस बात को जरूर ध्यान में देते रहें, कहीं चिन्ह का कोई मिस्टेक होगा अगर, तो फिर आगे सवाल गलत हो जाएगा हमारा। तो 24y = ये कितना हो जाएगा, ये निगेटिव आएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू -24/24, तो 1 आ जाएगा विथ माइनस साइन, निगेटिव 1 आएगा y की वैल्यू। यहीं से x की वैल्यू भी निकल जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 3+y है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 - 1 हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपका आंसर आ जाएगा 2 and -1। आप चाहें तो अपने आंसर को एक बार चेक भी कर लें, अगर आंसर गलत होगा तो फिर वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा आपके दिए हुए इक्वेशन को। अब हम पहुंचते हैं अगले सवाल में। अगला जो सवाल होगा इसके बाद का जो सवाल है वो अनुपात समानुपात का सवाल दिख रहा है मुझे, आसान सा सवाल है, इसके बहुत सारे मेथड है, मैं के नियम से आपको आसानी से इसको हल करके दिखाने का प्रयास करूंगा। ये कहता है कि a/b = c/d के, आपको ये नीचे दिया हुआ पार्ट प्रूफ करना है। मैंने इसको k के इक्वल मान लिया, तो a की वैल्यू b के हो जाएगी, c की वैल्यू d के हो जाएगी। इन वैल्यूज़ को इसमें रख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका है a²-c²/b²-d², a की जगह मैंने रख दिया बी के, उसका होल स्क्वायर कर दिया, सी की जगह मैंने रख दिया डी के, उसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर नीचे b²-d² वैसे ही है। अब ऊपर सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा b²k²-d²k² और नीचे आपका डिनोमिनेटर में b²-d² है। आगे अगर मैं सॉल्व करूँ तो k² कॉमन आ जाएगा, यहाँ b²-d² हो जाएगा और नीचे b²-d² भी है,
तो इस तरह से ये कैंसिल होकर के स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाला। अब इसके बाद राइट हैंड साइड अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो ए सी अपान बी डी है। ए सी की वैल्यू, ए की वैल्यू आपको पता ही है बी के है, सी की वैल्यू डी के है, नीचे बी डी है, तो ऊपर न्यूमरेटर बी डी के स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर अकेला बी डी है, बी डी बी डी कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा। तो एल एच एस और आर एच एस जब इक्वल हो जाए तो आपका स्टेटमेंट अपने आप ये प्रूफ हो जाता है, या हैंस प्रूफ लिख सकते हैं आप नीचे। और अब हम लोग पहुंच गए हैं आखिरी सवाल में, जो इस प्रादर्श प्रश्न पत्र में दिया हुआ था। ये आखिरी सवाल के बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, इसके साथ ही ये पूरा सीरीज जो चल रहा था हमारा वो भी पूरा हो जाएगा। इस प्रश्न में यह कहता है, त्रिकोणमिति का सवाल है, ट्रायंगल का यूज़ किया गया है इसमें। यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। आसान है सवाल, आप थोड़ा सा ध्यान दें, एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा समझ लें। ए प्लस बी प्लस सी किसी ट्रायंगल के लिए होता है 180, तो उस हिसाब से अगर मैं बी प्लस सी की वैल्यू लूँ तो 180 माइनस ए होगा। इस वैल्यू को मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए रखूँगा, साइन बी प्लस सी बाई टू है। अब अगर मैं इसको रखता हूँ तो ये बनेगा साइन बी प्लस सी की जगह मैं रख रहा हूँ 180 माइनस ए जो मैंने यहाँ पे निकाला है होल अपान टू। तो इसको आगे अगर मैं देखूँ तो एक्सपांड करने पे ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 180 अपान टू माइनस ए अपान टू। 180 अपान टू करूँगा तो ये 90 हो जाएगा और ए अपान टू अपनी जगह रहेगा। आपको पहले भी एक और सवाल में मैंने पूरक संपूरक कोणों का जो नियम है वो बताया था कि साइन जो है कॉस में बदल जाता है, कॉस जो है साइन में बदल जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट लगेगा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब कॉस ए बाई टू हो जाएगा क्योंकि थीटा की जगह ए बाई टू यूज़ हुआ है। और यही आपका राइट हैंड साइड था। तो इस तरह से आपने ये सिद्ध कर लिया कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो डियर चिल्ड्रन, डियर स्टूडेंट्स, आपका ये पूरा प्रादर्श प्रश्न अब हल हो गया है। 18 प्रश्न इसमें थे, 18 प्रश्न मैंने हल कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की जो सीरीज़ थी वो पसंद आई होगी और आपने जिस क्वेश्चन में जो डाउट रहा होगा वो समझ लिया होगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि आगे उस पर नया वीडियो बना सकूँ। फिर मिलेंगे, नमस्कार।